नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन, जानी रत्नों का रहस्य में संसार। दोस्तों मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे स्टोन ओवल होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त फाइट है इस चीज के ऊपर, नेट पे ऊपर इस चीज को लेकर इतनी फाइट है मैं बता नहीं सकता हूं। लास्ट मैं भी YouTube बहुत देखता हूं, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी जरूर चेक करता हूं, देखता हूं। और YouTube के अंदर एक एस्ट्रोलॉजर थे, मैं उनका नाम तो यहां पे नहीं ले पाऊंगा, वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत ज्यादा इस चीज को मानता हूं कि उन्होंने स्टोन्स के बारे में कुछ चीजें बोली, उसके बाद मतलब नेगेटिव ही बोली, पॉजिटिव नहीं बोली उन्होंने। फिर उन्होंने क्या बोला है कि मैं देखिए स्टोन नहीं होते, स्टोन ये हैं वो हैं ऐसे हैं वैसे हैं। तो खुद उनके अपने हाथ में 4 से 6 स्टोन तो पहने हुए थे। मैं खुद हैरान था कि ये क्या बोल रहे हैं, खुद पहनने के बाद भी वो उस चीज के बारे में बोल रहे हैं। या तो आप ना पहनिए, अब पहने हैं तो फिर बोलना गलत हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, इन तीनों दवाइयों का असर हो जाए, हो सकता है इनमें से कोई एक दवाई का आपके लिए बनी हो। देखिए किसी चीज की निंदा करने का मतलब क्या होता है कि आप उसकी जो हिस्ट्री है उसको निंदित कर रहे हैं, तो बड़ी अचंभित ये बात हो जाती है। चलो एनी हाउ, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट बेचना हो, कोई पोटली बेचनी हो, कोई सामान बेचना हो, उनका एक अपना स्ट्रेटेजी है, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन क्या होता है कि बात हो रही है कि ओवल या स्क्वायर जो रत्न होते हैं, ये क्या इसमें शेप्स भी डिपेंड करती हैं रिजल्ट्स के अंदर या नहीं। देखिए मैं बता देना चाह रहा हूं, शेप का कोई लिंक नहीं होता है। मोस्टली जो पत्थर होते हैं ये ओवल ही होते हैं। ये इसके अंदर स्क्वायर जो आता है, जो मैंने अभी तक देखा है, वो पन्ना आता है, इसके बाद पुखराज भी आता है लेकिन बहुत कम आता है। एंड द थर्ड इज जो स्क्वायर पत्थर आता है वो सेमी स्टोन्स आते हैं काफी सारे, लेकिन ओवल एक अलग चीज है। देखिए कटिंग है, अगर आप 1-2-3 केजी का एक स्टोन, आप पता है माइन से निकला है 50 या 60 केजी का, तो वो तो शेप हो गई ना उसकी, रिजल्ट्स में कमी थोड़ा आ जाएगी, रिजल्ट्स तो सेम ही रहेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो गलत भ्रांतियां हैं जो फैलाई गई हैं, मिथ हैं, इनको रोकना है। ये रोकने के लिए ही चैनल बनाया गया है। ऐसी चीजें अगर हम नहीं बोलेंगे तो डेफिनेटली ये भ्रांतियां जो मिथ हैं और बढ़ते चले जाएंगे, लोग और इसको और मतलब से लेना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पे मैं बता देना बहुत जरूरी समझता हूं, पत्थर किसी भी शेप में हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेबोरेटरी कार्ड्स आप में होना चाहिए, रिजल्ट्स आना ही आना है, नोबडी कैन स्टॉप द रिजल्ट। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है, फायदे बहुत बड़े होते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी क्या भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल TV चैनल्स के ऊपर बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये जो नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है इसके ऊपर आप कॉल करिए, ये नंबर के ऊपर आप कॉल करेंगे, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन सा पत्थर और कौन से टिप्स आपके लिए या आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए बने हैं। एक फोन कॉल से आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।